स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर थर्ड यूनिट एंड द नेम ऑफ द यूनिट इज डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन। सो लेट अस स्टार्ट विद द यूनिट। स्टूडेंट्स, हमारा अर्लियर डेज में मैनुअल टाइपराइटर यूज होता था अगर हमें कुछ भी डॉक्यूमेंट टाइप करने हैं तो। पर धीरे धीरे हमारा जो मैनुअल टाइपराइटर था वो किससे रिप्लेस हो गया? इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर से। बट नाउ डेज हमारा कंप्यूटर हर एक पर्पस के लिए यूज होता है, चाहे हम वर्ड प्रोसेसिंग की बात करें, चाहे हम डाटा प्रोसेसिंग की बात करें, या हमारा कम्युनिकेशन है या प्रेजेंटेशन है, हर तरह की एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए हम कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। इसी तरह से डॉक्यूमेंट बनाने के लिए भी हम अपने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एप्लीकेशन का यूज़ करते हैं। सो ओपन ऑफिस सूट के अंदर आपने वर्क भी पहले भी किया होगा, जैसे एमएस वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हमारा यूज़ होता है डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने के लिए। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हमारा यूज़ होता है स्प्रेडशीट बनाने के लिए, कुछ डाटा प्रोसेसिंग के लिए। इसी तरह से एमएस पावर पॉइंट का हम यूज़ करते हैं प्रेजेंटेशन के लिए। सो इन सॉफ्टवेयर का हम यूज़ करके अपनी एक्टिविटीज़ को इफ़ेक्टिवली परफॉर्म कर सकते हैं। सो नाउ व्हाट इज़ डॉक्यूमेंट? जो हम डॉक्यूमेंट की बात कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट होता क्या? अगर हम सिंपल वे में बात करें तो डॉक्यूमेंट हमारा एक पेपर होता है, एक पेपर कह लीजिए विथ रिटन कंटेंट। अगर एक पेपर के ऊपर कुछ भी रिटन कंटेंट लिखा हुआ है तो वो एक डॉक्यूमेंट है। एंड द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग अ डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड एज डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंट तो हो गया कि अगर हमारे पास कोई पेपर है उस पर हमारा कोई भी रिटन कंटेंट लिखा है तो हमारा डॉक्यूमेंट हो गया। एंड द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग अ डॉक्यूमेंट, उस डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर करने का जो प्रोसेस है उसे हम डॉक्यूमेंटेशन बोलते हैं। डॉक्यूमेंटेशन इज रिक्वायर्ड टू प्रिजर्व द कंटेंट्स फॉर अ लॉन्गर पीरियड और टू बी यूज्ड ऑन फॉर एन एविडेंस। डॉक्यूमेंटेशन की क्यों रिक्वायर्ड है डॉक्यूमेंटेशन? ताकि जो भी हमारा कंटेंट है उसको हम एक लॉन्ग पीरियड के लिए या किसी एविडेंस की फॉर्म में हम उसे प्रिजर्व कर सकें, इसलिए डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। डॉक्यूमेंट हमारा किसी भी फॉर्म में हो सकता है, चाहे हम लेटर की बात करें, रिपोर्ट की बात करें, कोई थीसिस है, हमारा रिसर्च वर्क है, मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं, लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं, बुक्स हैं, ये सारे हमारे क्या है? डॉक्यूमेंट। किसी भी फॉर्म में हो सकता है। अ हैंड रिटन डॉक्यूमेंट कैन हैव सर्टेन डिसएडवांटेज। अगर हम हैंड रिटन डॉक्यूमेंट की बात करें तो उसमें कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं। क्या डिसएडवांटेज हो सकते हैं? जैसे कि आपको कई बार जो स्पेसिफिक हैंड राइटिंग में वो डॉक्यूमेंट लिखा गया है, कई बार वो आपको समझ नहीं आता, ठीक है? तो जैसे जैसे हमारी कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट होती गई तो हमारा जो प्रोसेस था हैंड रिटन डॉक्यूमेंटेशन का, वो हमारा ऑटोमेट हो गया, चेंज हो गया। किस में? कंप्यूटर वर्ड प्रोसेसिंग में। आजकल हम अपने डॉक्यूमेंट किस में बनाते हैं? कंप्यूटर में बनाते हैं। सो अ डाटा एंट्री ऑपरेटर शुड पोजेस द स्किल्स टू यूज द ऑफिस प्रोडक्टिविटी टूल्स विद अ गुड टाइपिंग स्पीड। जो हमारा डाटा एंट्री ऑपरेटर होता है, जो डाटा एंट्री करता है, वो आजकल किस में, किस चीज़ का यूज़ करता है? वो ऑफिस प्रोडक्टिविटी टूल्स का यूज़ करता है। मींस वो एमएस ऑफिस या कोई और ऑफिस की बात कर लीजिए, लिब्रा ऑफिस हमारा है, ओपन ऑफिस हमारा है, तो उसके अंदर वो जो टूल्स होते हैं वो उसका यूज़ करता है अपनी स्किल को और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए विद अ गुड टाइपिंग स्पीड। ऑल्दो टाइपिंग स्किल इज द एसेंशियल क्राइटेरिया फॉर डाटा एंट्री ऑपरेटर, अ लिटल केयर हैज़ टू बी टेकन वाइल यूजिंग द वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। जब हम वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर की बात करते हैं तो हमें अपने जो हम डॉक्यूमेंट्स बना रहे हैं इसका बहुत ही एक तरीके से, मीन्स एक पूरे डॉक्यूमेंटेशन फॉर्मेट में ही हम इसे बनाना होता है। तो अब हम बात कर रहे हैं कि द वर्ड, जो हमारा टर्म है वर्ड प्रोसेसिंग, वो हमारा कहाँ इन्वेंट हुआ था? द वर्ड प्रोसेसिंग टर्म वॉज इन्वेंटेड बाई IBM। IBM ने इसको इन्वेंट किया था वर्ड प्रोसेसिंग को इन द लेट 1960 में। बाई 1971 इट वॉज रिकोगनाइज बाई द न्यूयॉर्क टाइम्स एज अ बच वर्ड। पहले इसका नेम था वर्ड प्रोसेसिंग, पर धीरे धीरे जिससे हम 1971 की तरफ आए तो हमारा न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर वर्ड प्रोसेसिंग की जगह एक वर्ड यूज़ किया गया, ओनली
वर्ड मीन्स हम एमएस वर्ड को सिर्फ वर्ड भी बोल सकते हैं. सो व्हाट इज वर्ड प्रोसेसिंग? वर्ड प्रोसेसिंग इज द यूज ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर टू एंटर, एडिट, फॉर्मेट, स्टोर, रिट्रीव एंड प्रिंट द डॉक्यूमेंट. वर्ड प्रोसेसिंग क्या है? वर्ड प्रोसेसिंग हमारा है कि हम अपने कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का यूज कर रहे हैं. अगर किस लिए कर रहे हैं? किसी डॉक्यूमेंट को एंटर करना है, लिखना है, उसमें कुछ एडिटिंग करनी है, कुछ फॉर्मेटिंग करनी है, कुछ स्टोर करना है, रिट्रीव करना है, या अपने डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना है, तो हम वर्ड प्रोसेसिंग के सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं. तो हमारा डॉक्यूमेंट किसी भी फॉर्म में हो सकता है, लेटर, नोटिस, रिपोर्ट, बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंस. अ वर्ड प्रोसेसर इज़ अ कंप्यूटर एप्लीकेशन यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ प्रिंटेबल मटेरियल. अब हम वर्ड प्रोसेसर का यूज़ क्यों करते हैं? हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हम अपना एक डॉक्यूमेंट भी तैयार कर लें और उसका एक प्रिंटेबल मटेरियल में अगर हमें अपना डॉक्यूमेंट चाहिए तो उसका भी हम प्रिंट निकाल सकते हैं. सो हमारा जो बिगनिंग में कौन सा यूज़ होता था वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर? वर्ड स्टार. हमारा जो स्टार्टिंग में जब वर्ड प्रोसेसिंग के सॉफ्टवेयर्स आए थे तो हमारा वर्ड स्टार सबसे पहले यूज़ होता था. बट आज के टाइम में हमारे बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं जो हमारे डॉक्यूमेंट को बनाने में हेल्प करते हैं. सो क्या क्या लिमिटेशंस थी? पहले हमारा टाइपराइटर यूज़ होता था डॉक्यूमेंट को टाइप करने के लिए. तो ऐसे क्या प्रॉब्लम्स उसमें आई कि हम आज के टाइम में वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं? सो अगर आपको मतलब क्या है, अगर आपको टाइपराइटर से आप टाइपिंग कर रहे हैं तो अगर कोई भी इसमें टाइपिंग एरर आ जाता था तो हमें होल शीट को दोबारा से टाइप करना होता था. वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में क्या है, आपको जहाँ पर भी गलती है आप वहाँ कर्सर को लेके जाएंगे, क्लिक करेंगे और वहाँ से आप अपनी मिस्टेक को ठीक कर सकते हैं. बट टाइपराइटर के केस में अगर कोई एरर आता था तो हमें होल शीट को अगेन टाइप करना होता था. टू सेंड सेम लेटर टू टू और मोर पर्सन्स विद डिफरेंट एड्रेसेस रिक्वायर मल्टीपल टाइपिंग एफर्ट्स. अगर हमने एक सेम लेटर डिफरेंट डिफरेंट पर्सन्स को सेंड करना है तो हमें बार बार टाइप करना होता था. बट वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के अंदर ऐसा नहीं है. जहाँ पर भी हमें चेंजेस करने हैं वहाँ चेंज करके अगेन हम प्रिंट आउट निकाल सकते हैं उसका. तो पहले हमें अगर दो या तीन पर्सन्स को सेम लेटर भेजना है तो हमें उसके अंदर कुछ चेंजेस करके भेजना है तो हमें पूरे के पूरे लेटर को दोबारा से टाइप करना पड़ता था. टाइपराइटर डज नॉट हैव ऑल द रिक्वायर्ड कैरेक्टर्स और सिंबल्स. और टाइपराइटर्स के कीबोर्ड के अंदर सभी तरह के कैरेक्टर्स और सिंबल्स अवेलेबल नहीं थे. इट इज़ नॉट पॉसिबल टू प्रोड्यूस अ डॉक्यूमेंट इन द डिजायर्ड फॉर्मेट यूजिंग अ टाइपराइटर. और जिस तरह का हमें डॉक्यूमेंट चाहिए उस तरह की पॉसिबल नहीं था टाइपराइटर के अंदर. इन द ईयर 1974 जीरोक्स कंपनी हैड इंट्रोड्यूस एन इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर. पहले हमारा मैनुअल टाइपराइटर यूज होता था बट 1974 के अंदर जीरोक्स कंपनी ने एक इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर बनाया जिसने हमारी मैनुअल टाइपराइटर की प्रॉब्लम को सॉल्व किया. इन इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर इट इज़ पॉसिबल टू मेक चेंजेस इन द कंटेंट. इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर के अंदर हमारी कुछ जो मैनुअल टाइपराइटर में कुछ हमारी लिमिटेशंस आ रही थी उसको इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर ने रिड्यूस किया. वो क्या, तो इसमें क्या क्या बेनिफिट हमें मिले कि हम अपने कंटेंट के अंदर चेंजेस कर सकते थे, मल्टीपल कॉपीज भी बना सकते थे. बट इट हैज़ अ लिमिटेशन ऑफ वेरी स्मॉल साइज स्क्रीन टू डिस्प्ले द कंटेंट्स. बट इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर के अंदर एक लिमिटेशन था कि हमारा इसकी जो स्क्रीन होती थी वो बहुत छोटी होती थी जिससे कि हम अपने कंटेंट्स को डिस्प्ले कर पाएँ. इट्स स्क्रीन कैन व्यू ओनली वन और टू लाइंस. और इसकी स्क्रीन से हम अगर एक टाइम पे अगर स्क्रीन ओपन है ना तो हमें सिर्फ वन या टू लाइंस ही दिखाई देती थी. इन लेट 1970s विद द डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर. जैसे जैसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हमारे पास आया तो कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर के अंदर हमारा वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर भी इंट्रोड्यूस हुए जिसके अंदर हम अपने डॉक्यूमेंट को एडिट कर सकते थे, कुछ उसमें नेविगेट करना है वो कर सकते थे, फॉर्मेटिंग कर सकते थे, प्रिंटिंग कर सकते थे. सो हमारे जो मॉडर्न वर्ड ब्राउजर्स हैं वो किसका एडवांटेज लेके चलते हैं? GUI. GUI मीन्स ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस. हमारा इंटरफेस कैसा है आजकल? ग्राफिकल है.
हर चीज़ फ्रेंडली है, हमें आइकन्स को देखते ही समझ आ जाता है कि किस चीज़ का आइकन है। जैसे कट के लिए सीजर बना होता है, ठीक है, तो कॉपी के लिए हर चीज़ का आइकन है, जिससे हमारा इंटरफेस क्या है, ग्राफिकल है बहुत ज़्यादा। और हम अपने टेक्स्ट पर अगर हमने कुछ भी स्पेशल इफेक्ट्स डालने हैं, तो वो भी हम वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में इजीली डाल सकते हैं। अगर हमने कुछ भी आप देख रहे हैं उसके अंदर आपने कुछ एडिटिंग करनी है, तो वो भी आप इजीली कर सकते हैं। सो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर नॉट ओनली प्रोवाइड बेसिक एबिलिटी टू एंटर एंड मॉडिफाई द टेक्स्ट, बट ऑल्सो प्रोवाइड एफिशियंट टेक्स्ट मैनिपुलेशन फंक्शन। हमारा जो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, उसमें हम सिर्फ अपने टेक्स्ट को एंटर या मॉडिफाई ही नहीं कर सकते, बल्कि अगर हमें कुछ चेंजेस उसके अंदर करने हैं, मैनिपुलेशन करना है, तो वो भी हम इजिली कर सकते हैं। तो कौन कौन से फीचर्स हैं जो हमारे वर्ड प्रोसेसिंग को बहुत ज़्यादा पॉपुलर बनाते हैं, मीन्स हम अपने वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर से क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। जैसे कि हम अपनी डॉक्यूमेंट को क्रिएट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, कुछ अगर हमें सेव करना है सेव भी कर सकते हैं, डाटा को एक्सेस करना है, रिट्रीव करना है, या डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना है, तो ये भी हम वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हमें अपने टेक्स्ट को एक जगह से दूसरी जगह मूव कराना है, या कुछ पार्ट सिलेक्ट करना है, तो वो भी हम इजिली कर सकते हैं। हम अपने टेक्स्ट को कॉपी कर सकते हैं, उस कॉपीड पार्ट को मूव कर सकते हैं किसी एक डॉक्यूमेंट से दूसरे डॉक्यूमेंट में। हम अपने चेंज कर सकते हैं, फ़ॉन्ट साइज़ हमें चेंज करना है तो वो भी हम कर सकते हैं, फ़ॉन्ट स्टाइल को चेंज कर सकते हैं टेक्स्ट के, पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, स्पेलिंग एंड ग्रामर को चेक कर सकते हैं, टेबल्स को क्रिएट कर सकते हैं, किसी भी रो या कॉलम का हम साइज़ बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, दो एक या दो से ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स को हम कंबाइन भी कर सकते हैं, पिक्चर्स को इंसर्ट कर सकते हैं, ग्राफ को इंसर्ट कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट में, कुछ सिलेक्टेड पार्ट को प्रिंट कर सकते हैं, या सिलेक्टेड पेजेस को भी हम प्रिंट कर सकते हैं। सो ऑल दिस आर द फीचर्स ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। वर्ड प्रोसेसर्स आर बीइंग यूज्ड इन द बिजनेस, होम, एजुकेशन, दैट इज इन द स्कूल एंड कॉलेजेस, फॉर प्रिपेयरिंग लेटर्स, रिपोर्ट्स एंड मैनी अदर डिफरेंट टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट्स। जो हमारा वर्ड प्रोसेसर है वो आज के टाइम में बिजनेस, होम, एजुकेशन, इवन हमारे स्कूल कॉलेजेस में लेटर्स को प्रिपेयर करने के लिए, रिपोर्ट्स को प्रिपेयर करने के लिए भी हमारा यूज़ होता है। स्टूडेंट्स यूज़ इट फॉर प्रिपेयरिंग प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स, अगर हमें प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स प्रिपेयर करनी है तो भी हम इसका यूज़ करते हैं। टीचर्स यूज़ वर्ड प्रोसेसर्स फॉर प्रिपेयरिंग क्वेश्चन पेपर्स एंड नोट्स, अगर हमें क्वेश्चन पेपर्स प्रिपेयर करने हैं या नोट्स प्रिपेयर करने हैं, तो भी हम अपना वर्ड प्रोसेसिंग का यूज़ कर सकते हैं। सो हमारा जो ऑफिस सूट है, उसके वो क्या होता है, एक कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स होता है, क्योंकि हमारे ऑफिस सूट के अंदर ही, अगर आपने देखा होगा, अगर हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट की बात करें, तो उसके अंदर हमारा एमएस वर्ड होता है, एमएस पावर पॉइंट होता है, एमएस एक्सेल होता है, एमएस आउटलुक होता है, एमएस नोट्स है, तो इस तरह से हमारा कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं जो हमारे वर्ड प्रोसेसिंग में यूज़फुल होते हैं। हम स्प्रेडशीट प्रिपेयर कर सकते हैं, प्रेजेंटेशन कर सकते हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट कर सकते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे लिब्रा ऑफिस के बारे में। हम यहाँ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस नहीं कर रहे हैं, हम लिब्रा ऑफिस के अंदर कौन कौन सी एप्लीकेशंस होती हैं जो बिल्कुल सिमिलर है हमारी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एप्लीकेशंस की तरह ही, बट नेम से कुछ हमारी थोड़ी बहुत चेंजेस हैं इसके अंदर, जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा आज का कंसेप्ट समझ आया हो तो वीडियो को लाइक करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके क्लास, थैंक यू वेरी मच।